एंड यहाँ ये पेड़ की कटाई हो गई, इसकी वजह से रोड थोड़ा ब्लॉक है। बाहर रखो थोड़ा और, बाहर थोड़ी सी और बाहर रखो, बाहर रखो। अरे मजे से निकलते हैं। It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel, but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, 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 oh. I'm losing control. ये मॉल ही आ गए, चढ़ाई इतनी खतरनाक है और इतनी सिंगल रोड है, पतली रोड है, पतली। देखिए ये देखिए व्यू यहाँ से, बहुत ही हाइट पे है। ये पहाड़ देखिए यहाँ का, ये हमारी गाड़ी। ये रख दो जी। व्यू देखो यहाँ का ऑली। होटल वाले से पूछ लेते हैं। रास्ता है होली का, ये देखिए आप। बिल्कुल मोड़ पे, अरे यार लग गया, दिखे नहीं भी घिसा है कुछ नीचे, वो टायर वो वहाँ पे थे वो बने हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट बोल रहे थे वो, 5,000-5,000 रुपये। जो हमने नहीं लिया होटल, कहीं और ढूंढ रहे हैं अब जाके। ये है यहाँ पे ही बोला था उसने, ये वाला होटल, ये वाला होटल देख। ये है व्यू ओली का, देखिए चढ़ाई बहुत स्टीप है, वीडियो में नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे रूम है, ये मेरे फ्रेंड देखने का है। दिखाता हूँ आपको चल का होटल, यहाँ से बहुत शानदार व्यू है। ये अपनी कार खड़ी हुई है,
बर्फ़ हो जाती है यहाँ पूरे विंटर्स में। अभी तो बहुत हवाएं चल रही हैं ठंडी, ऊपर जाके भी है। 2000 रुपये का है। यहाँ हम जा रहे हैं कुछ खाने वाने, शॉप बनी हुई है, एक सड़क नीचे जा रही है। यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए, इस दुकान पे देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ हमारा होटल था ऊपर, ये ऑल इन ऊपर सड़क जाती है। पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया था जी। हाँ चलाओ। 86 है यहाँ, 86 रुपये लीटर है उत्तराखंड में, 2800 का भरवा है। यहाँ पे ही हमने पेट्रोल डलवाया और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। 8:30 बज गए हैं, वहाँ से निकले थे 6:30 बजे। ऑलवेज महंगा है यहाँ पेट्रोल, 86। ब्रेकफास्ट होगा यहाँ पे बना। दिस इज़ ए बेस्ट रूट फॉर केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। और इसके अलावा जो रूट हैं लैंसडाउन और ऋषिकेश वाले बहुत ख़राब हो चुके हैं, ये सबसे अच्छा रूट है। रामनगर, जिम कॉर्बेट और रानीखेत होते हुए यहाँ की रोड भी बिल्कुल खाली रहती है और है भी अच्छी बनी हुई, धूल मिट्टी गड्ढे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप इसी रूट से आएँ और इसके अलावा किसी रूट से ना आएँ इस टाइम 2 साल तक, क्योंकि वहाँ उस सड़क पे काम चल रहा है, पहाड़ काट काट के रोड बना रहे हैं वहाँ। ओके आगे दिखाते हैं आपको। रास्ते में यहाँ लिए पड़ी है कोई जगह है, यहाँ पे नीचे नदी बह रही है। रामनगर के रूट पे है ये, रुद्रप्रयाग से रामनगर रूट पे, और ये ब्रिज बना हुआ है, ये पानी बह रहा है यहाँ। पानी कितना अच्छा है, देखिए कितनी अच्छी, बहुत ही अच्छा रूट है। आप इससे ही आइए। ऋषिकेश और लैंसडाउन वाला तो बहुत ख़राब है। यहाँ हमने खाने का लिया है स्टॉप, देखिए गाड़ी खड़ी है। ये घर बने हैं, बहुत ही अच्छी रोड है ये। हमेशा कभी जोशीमठ बद्रीनाथ कहीं जाना हो तो रामनगर होते हुए जाइए, रानीखेत रामनगर, बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। व्यू ऐसे हैं यहाँ के और अच्छी सड़क,
चलते पड़ते यहाँ पे खाना खाएंगे दोपहर 2:30 बजे 3 बज गए मेरे ख्याल से 3 बज गए हैं यहाँ खाना खाएंगे। ये होटल है सालन कड़ी है जबरदस्त व्यू के साथ हम खाना खा रहे हैं। देखिए ये देखिए लोकेशन यहाँ पे हमने खाना खाया है रामनगर रानीखेत की साइड से आए हम बद्रीनाथ से ऋषिकेश और लैंसडाउन नजीबाबाद वाला तो रूट बहुत ख़राब हो रहा था ये बहुत ही अच्छा रूट है रानीखेत रामनगर होते हुए अब हम मुरादाबाद रामपुर से पहुंच जाएंगे। ये व्यू देखिए यहाँ पे हमने खाना खाया अभी 3 बज रहे हैं 13 अक्टूबर है आज 2020। रोड बहुत ही अच्छी है रामनगर 200 किलोमीटर था जोशीमठ से 80 किलोमीटर आगे चल के यहाँ के लिए मोड़ आता है नैनीताल रामनगर रानीखेत। ये देख सकते हैं आप व्यू बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है ना गर्मी ना ठंड वाले होटल में खाना खाया वो जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा है बैठ के बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं पानी है नीचे कार्ड होते हैं यहाँ के लोग लोकल जो होते हैं। सुरई है ये एक जगह रामनगर से पहले है बहुत अच्छी जगह है यहाँ हमने खाना भी खाया होटल में इतनी अच्छी हवा चल रही है क्या बताऊं। ये मालूम नहीं कौन सा एरिया है रामनगर की साइड आ रहे हैं हम बद्रीनाथ से जोशीमठ से बहुत ही खूबसूरत सड़क है बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है। रामनगर यहाँ से 50 रह गया है 50 किलोमीटर ये आप रोड देखिए खूबसूरती को कैमरा वो निकल पा रहा है बिल्कुल भी बहुत ही ज़बरदस्त हाइट पे है बहुत ही अच्छी। जिम कॉर्बेट का रूट है ये बहुत ही ज़बरदस्त रूट था और यहाँ की सड़क भी बहुत अच्छी थी स्ट्रेट रोड्स थी यहाँ में हिरन भी दिखे भागते हुए नीलगाय वगैरह दिखी और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे जानवर सड़कों पे भी आ जाते हैं तो अपनी कार आहिस्ता चलाइए बहुत ही ज़बरदस्त रूट था स्ट्रेट रोड्स थी मज़ा आ गया यहाँ पर। इसके बाद रामनगर आया काशीपुर आया फिर हम लोग गजराला आ गए
स्टॉल बैठ की सड़क बहुत ही खूबसूरत, जवाब नहीं, सीधी सीधी सड़क है, बहुत अच्छा सीन लगा। सीन सड़क है, एलिफेंट कॉरिडोर, निकलते हैं से एलिफेंट कॉरिडोर पे, पास करते हैं जंगल, जंगल है जबरदस्त। अभी हमने नाइट सफारी कर ली, ये समझती है यहाँ। कॉर्बेट काफी एडवेंचर हो गया। गजरौला पहुंच गए हैं, 1050 किलोमीटर टोटल ट्रिप हो गई है, तो हमारे 408 किलोमीटर आ गए हैं मौली से। और यहाँ पे कुछ खाने कुछ पीने के लिए रुके हैं, यहाँ पे ढाबा है, देखिए भैया ढाबा, ये खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं। 400 किलोमीटर आ गए, 50 रह गया है, 9:30 बज रहे हैं रात के। ज्याला बहुत अच्छा था, रामनगर और जिम कॉर्बेट, रानी खेत और ये सब रूट होते हैं, बहुत अच्छा रूट रहा ये, देखा ये। चाय तैयार हो रही है हमारी, देखी चाय बना रहे हैं अंकल जी। ये देखिए ऐसी हालत हो गई है गाड़ी की, ट्रिप से आने के बाद वॉशिंग करवाने आए, ब्रेक ऑयल भी इसका कम हो गया। Don't look.